ये क्या कर रही हैं आप सब? एक मिनट विहान, ये तेरी समझ से बाहर है। ऐसे नीच लोग। अरे होगा उसका परिवार नीच, गिरा हुआ, जाहिल, लेकिन उस लड़की के बाप और भाई की वजह से हम उसके पूरे परिवार को यूं बेइज्जत नहीं कर सकते। उसके परिवार को घर से बाहर निकालने की धमकी नहीं दे सकते। मैं आप सबसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, उस लड़की के लिए इस वक्त बहुत बुरा लग रहा है मुझे। आप सबको वो जेन्युइनली पसंद आई थी, आप सबकी परीक्षा पे वो खरी उतरी है, फिर आज हम उसे उसके परिवार के साथ यूं जोड़कर क्यों कंपेयर कर रहे हैं? आई मीन दैट्स नॉट राइट। माफ कीजिएगा, लेकिन रहा तो हमें भी बहुत लगेगा अगर कोई मुझे या फिर मेरी फैमिली को मेरे पापा, फूफा या चाचा के साथ जोड़कर कंपेयर करे। जो गलती मेरे पापा ने की है, उसके लिए ना तो मैं ना ही मां जिम्मेदार है, और ना ही हम उनकी तरह हैं। हमें भी बहुत बुरा लगा था जब पिछले कई रिश्ते सिर्फ इस बात की वजह से ठुकराए गए थे कि इस घर में और कोई मर्द नहीं, इस घर में सात माएं हैं। पापा ने आपको छोड़ दिया और अपनी अलग दुनिया बसा ली। मैं भी उन्हीं का बेटा हूं, मेरी रगों में भी उन्हीं का खून दौड़ता है, लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूंगा या उन्हीं की तरह करूंगा? नहीं ना। जो हुआ उसमें उस बेचारी लड़की की क्या गलती है? उसने भी तो कुछ सपने देखे होंगे, और वो सपने जो आप सबने भी दिखाए हैं उसे। किसी को ऐसे सपने दिखाकर कैसे तोड़ सकते हैं आप? अगर इसके बावजूद आप सबको लग रहा है कि आप जो फैसला ले रही हैं वो सही है तो ठीक है, लेकिन मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा और उसके बाद वही फैसला लीजिएगा जो सही है।